हम उद्घोषक संदीप बाबा आप सभी देशवासियों को अभिनंदन करते हैं। दोस्तों बहुत दुख की बात है कि दिनांक 14 फरवरी 2019 को जो घटना घटित पुलवामा में हुई, हम सभी देशवासी दुखी हैं। आइए मैं आप सबके बीच में इस दुखद घटना को लेके आप सबके बीच कुछ पंक्ति रखना चाहता हूँ, जिस पंक्ति के लेखक है मेरे छोटे भाई भोजपुरी के बहुत अच्छे गीतकार आदरणीय छोटन मनीष जी और रिकॉर्डिंग चित्रांजलि स्टूडियो के माध्यम से। आप सब जरूर सुने, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें। आसमान भी रोया था, धरती भी थर्राई थी, किसी को न मालूम था यारो किस घड़ी मौत ये आई थी। माँ का एक टक चेहरा था, आंखों में बहते आंसू थे, पुत्र थे उनके शहीद हुए जो मातृभूमि के नेता थे। पत्नी का तिलचना चिल्लाना सीने में तिर चुभता था, एकमात्र सहारा था उनका, वह भारत माँ का बेटा था। चलना वह जिनसे सीखा था, कंधों का भी अब राज गया, वह बैठ जहाँ जग देखा था, बेटे के सिर से हाथ गया, माँ की गोद सुनी हुई, पत्नी का भी सिंदूर मिटा, पिता के दिल में आह उठी, पुत्र का भी साथ गया। गर्व है इन परिवार को अपने उन संतानों पर, मातृभूमि के लिए समर्पित हुए वीर बलिदानों पर। नेताओं क्यों बैठे हो बदला लो गद्दारों से, गर खून में गर्मी बाकी है, सर बिछा दो तुम तलवारों से, बदला ले इस बार का तुम उन वीरों का सम्मान रखो, माता पिता और पुत्र के सर, मातृभूमि का स्वाभिमान रखो।